फिर मेरे को स्टैम्प एंड साइन मिल गए थे, फिर मैं विश्वविद्यालय गई थी आई का प्रोसेस करने। को लोकेशन शेयर कर दूंगी, यहाँ पर आपको जाना है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, और नियरेस्ट साइबर कैफे वही है, तो ऑब्वियसली इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आस कर दिया तो सारे चर्दी क्लाचे हो गए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो मेरी रीवैल्यूएशन की स्टोरी के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, और पेमेंट चार्जेस कितने होते हैं, प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, रिजल्ट कब तक आ जाता है। सो आई होप कि आज की वीडियो में आपके मैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। सो रीवैल्यूएशन का प्रोसेस बहुत ईजी है। आपको ये जो फॉर्म है आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। सो इसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के दे दूंगी, सो आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये फॉर्म को आपको फिल करना होता है, और इस फॉर्म में आपके नॉर्मली पेपर कोड, यूनिक पेपर कोड मांगते हैं, और पेपर का पूरा नाम मांगते हैं, जो कि आपके एडमिट कार्ड से आपको मिल जाता है इजीली। एंड उसके बाद रेगुलर स्टूडेंट्स जो मेरतर हैं, उनको अपने कॉलेज में जाके एडमिट ऑफिस में ये देना होता है। इसमें आपका प्रिंसिपल स्टैम्प एंड साइन करता है। प्रोसेस में हाफ एन आवर भी लग सकते हैं, दो घंटे भी लग सकते हैं, एक घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल कितना फ्री है उसके ऊपर, वो उस हिसाब से काम कर देते हैं। तो मेरे 1 आवर लगे थे, एक घंटे के अंदर मेरे को स्टैम्प एंड साइन मिल गए थे, फिर मैं विश्वविद्यालय गई थी आई का प्रोसेस करने। एंड जो SOL के स्टूडेंट हैं उनको तो डायरेक्ट विश्वविद्यालय ही जाना होता है, वहाँ उनका SOL की जो मेन हेड ऑफिस है उनका, वहाँ पे उनको साइन एंड स्टैम्प मिल जाएंगे, तो कोई इशू की बात नहीं है। एंड उसके बाद फिर आपको मैं आपको लोकेशन शेयर कर दूंगी, यहाँ पर आपको जाना है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने। सो काउंटर नंबर 1 फॉर्म में लिखा है कि वहाँ पे होता है, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होती है, जो कि मेरे पास उस टाइम नहीं थी, मेरे पास थे कैश। तो कैश पेमेंट करवाने का वहाँ सबसे बेकार चीज़ ये है कि एक पेपर का वो आपका लेंगे 1000 रुपीज़। सो अगर आप 2 सब्जेक्ट करवा रहे हो तो 2000 रुपीज़ वो लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, बट करवाना पड़ता है। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है या फेल कर दिया है, तो उस टाइम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, पेपर देने से अच्छा है एक बार रिवैल्यूएशन करवा लो। सो मैंने भी वही किया। सो जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगा कि साइबर कैफ़े वाला नॉर्मली जैसे मेरी 1000 रुपये की पेमेंट है, तो शायद उसमें वो अपने 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लेगा फिल वगैरह करने का, पर उसने मेरे से 250 लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है, और नियरेस्ट साइबर कैफ़े वही है, तो ऑब्वियसली इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो पर स्टूडेंट को करवाना पड़ता है क्योंकि और ऑप्शन हमारे पास नहीं होते। तो मैंने आप देख सकते हो कि 1250 रुपीज़ वहाँ पर दिए थे, एंड फिर उन्होंने मुझे जो फी स्लिप होती है वो निकाल के दी थी। एंड उसको आपको यूँ ही नहीं सबमिट करना पड़ता, आपको जस्ट जहाँ आपको सबमिट करना होता है ये फॉर्म, उसके जस्ट बगल में इंडियन पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से आपको एक एनवलप लेना होता है बेसिकली। तो उस एनवलप में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के देने पड़ते हैं उन, और वहाँ पे क्यूज़ अलग अलग होती हैं, SOL की अलग होगी, रेगुलर स्टूडेंट्स की अलग होगी, तो वहाँ पर जाके आपको सबमिट करना पड़ता है। अब बात आ गई रिजल्ट की, रिजल्ट कब तक आता है। रिजल्ट आपका 3 मंथ्स लेता है, और वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, तो आपको कोई भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती। सो वो जिस आप वेबसाइट पे अपना रिजल्ट चेक करते हैं, रेगुलर स्टूडेंट एंड SOL जो दोनों के दोनों, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स अपडेट हो जाते हैं और आपकी परसेंटेज भी अपडेट हो जाती है। एंड इसके बाद जो आपकी फ़ीस है वो आपको रिफंड नहीं होती, ऐसे कोई भी प्रोसेस नहीं होता, बिकॉज गवर्नमेंट को जो आपने पैसे दे दिए वो कभी रिफंड नहीं होते, पहले तो दिमाग में रख लो, तो वो वापस कभी नहीं आने वाले। और इसके साथ साथ रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में डिफरेंस बस इतना ही है कि जब आपकी टोटलिंग या परसेंटेज में कोई इशू आ रहा है तो आप रीचेकिंग के लिए जाएँ, बट आपके जब सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं या ER वगैरह है, जैसे आपको फेल कर दिया गया है, तो आप रीवैल्यूएशन के लिए जाएं। तो जस्ट यही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एंड आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड दैट्स इट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।